परफेक्ट कम्युनिकेशन विथ ओपन हार्ट, यानी कि खुले दिल से हुई परफेक्ट सही बातचीत, वो बेस बनती है 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि MK फ्लेक्सपैक में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, यानी कि आपको 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले, आपकी ब्रांड डेवलप हो, उसी में हमारा इंटरेस्ट रहता है। और हम हमेशा कस्टमर सेंट्रिक रहते हैं, यानी कि कस्टमर के बारे में सोचते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है ये समझाता हूँ। ये कस्टमर जो है नंदूरा बुल्दाना से, NK ड्राई फ्रूट NK मसाला उनके है, ये नंदूरा बुल्दाना महाराष्ट्र से ये कस्टमर है। उनका 5 रुपये 10 रुपये का, 10 रुपये में मिर्ची हल्दी धनिया और बिरयानी मसाला बनाया, और 5 रुपये में मिर्ची हल्दी धनिया, ये चिकन मसाला और तहरी पुलाव मसाला, यानी कि 3 और 2 5 6 7 8 9 प्रोडक्ट बने। 9 प्रोडक्ट में उनका 4.25 लाख रुपये का मटेरियल का बजट हुआ, मटेरियल दिया और सिलेंडर का खर्चा अलग से, यानी कि 4.5-5 लाख के आसपास उनका बजट में ये काम हुआ। अब दोस्तों जब आपका कॉल आता है, आप हमें कॉल करते हैं और कॉल करके बात करते हैं कि समझाइए, तो समझाते तो हम समझाते हैं कि भाई ये 3 पार्ट में काम होता है। सबसे पहले डिज़ाइन बनती है, डिज़ाइन का 3.5-4 हज़ार रुपये अलग अलग डिज़ाइनर आर्टिस्ट के मुताबिक होता है और उतना खर्चा आता है एक प्रोडक्ट का। और उसके बाद सिलेंडर बनते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये 5-6 कलर की तो डिज़ाइन है, अब ये 4 कलर का फोटो हो गया, 5वां बेस कलर हो गया जिसमें ये कलर बदल रहा है, और वाइट का तो 6 कलर का ये सेट हो गया, 7वां जैसे मिर्ची का 6 हो गया, 7वां हल्दी का, 8वां धनिया का, और ये पुलाव मसाला का, बिरयानी मसाले के उनके जो 4-4, 5-5 हैं वो अलग बने, यानी कि ये बजट बड़ा बन जाता है। अगर बजट आपके पास है तो ठीक है, अगर बजट नहीं है तो आप हमें पूछते हैं तो हम बताते हैं डिज़ाइन, फिर सिलेंडर, सिलेंडर का खर्चा आता है, सिलेंडर का 35,000 खर्चा, और मटेरियल जो 400-500 केजी क्वांटिटी होती है वो बनानी पड़ती है, यानी कि 1.5 लाख का बजट आता है। अब होता क्या है कि जैसे हमने बोला 1.5 लाख का बजट है, हमारा फोकस होता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी ज़रूरत क्या है, तो हम पूछते हैं कि भाई जैसे ये मिर्ची हल्दी धनिया, तो ये और फिर ये कितने 9 प्रोडक्ट हुए, 9 प्रोडक्ट यानी 10 प्रोडक्ट समझो, ये 1.5 लाख रुपये से गिनोगे तो आपका ये 13.5-15 लाख-14 लाख का बजट हो गया। अब सबके पास 15 लाख रुपये नहीं होते, तो हम आपको पूछते हैं कॉल पर कि आपका बजट कितना है बताइए। तो होता क्या है दोस्तों कि कोई बोलता ही नहीं है। बोलता क्यों नहीं है, क्यों शायद शर्म आती है कि भाई मेरे पास तो 10,000 है या 50,000 है या 1 लाख रुपये है या 2 लाख है या 5 लाख है। अभी एक कस्टमर से बात हो रही थी, लंदन से उनका फ़ोन आया था, तो ये समझाया कि भाई ये इनके 15 प्रोडक्ट है, तो 15 प्रोडक्ट में आपका 25 लाख बजट होगा, कितना है जवाब नहीं देंगे। हमें कई बार फिर बोलना पड़ता है कि आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान के पास क्या खुले दिल से बातचीत नहीं करते हैं? मैं तो अननोन हूँ, हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें जानते भी नहीं है, हम अननोन है, आप खुले दिल से क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका अच्छा बिजनेस हो, बिजनेस स्टार्ट हो के आप सही तरीके से काम कर सकें, आप ग्रो करें, आप ग्रो करेंगे तब ही हमारा ग्रोथ है, ये हम जानते हैं, समझते हैं एंड पॉइंट। इसीलिए बीच में जो मेहनत करनी है वो हम करते हैं और उसी के लिए हमारा फोकस रहता है। जैसा ये टोटल अलग अलग कितने कस्टमर हमारे पास है, तो क्या ऐसे ही काम हो गया? नहीं होता है दोस्तों काम ऐसे, एक एक काम करने के लिए एक एक चीज़ को समझना पड़ता है, और एक एक चीज़ को, ये चीज़ को समझते हैं पहले, हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा। भाई अगर आप बोलेंगे 10,000 है, तो हम बोलेंगे एक काम करो, प्लास्टिक की शॉप में जाके प्लेन पाउच ले लो, स्टिकर लगा दो, तो 500-2,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। अगर बड़ा बजट है तो आप डिजिटल प्रिंटिंग करा सकते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग कराएंगे तो डिजिटल प्रिंटिंग में आपका 80,000 में काम आ जाएगा, क्योंकि उनकी शीट होती है 500x633 की, वो शीट में कितना कितना क्या क्या सेट करता है उसके मुताबिक वो करेगा। उनका 80,000 का अप्रोक्स बजट आता है, 100 kg मटेरियल वो भी बना के देता है, लेकिन उनका थीकर होता है क्योंकि उनके पास सब क्वांटिटी नहीं रहती है, आपकी रिक्वायरमेंट से काम नहीं होता है, 1 रुपये का 3-4 रुपये में पड़ता है, तो वो अलग अलग फंडामेंटल है। अगर आपके पास 80,000 का बजट है तो हम बताएंगे ये, अगर आपके पास 1.5 लाख का बजट है तो हम बोलेंगे इतना इतना ऐसे होगा, अगर 1.5 लाख नहीं है तो कम है, अलग अलग प्रोडक्ट है, मिर्ची हल्दी धनिया है तो उसके अलग अलग वेज है कि कैसे एक सिलेंडर में मिक्स किया जा सकता है, जैसे या तो फिर ये जैसे ये इसमें मिर्ची हल्दी धनिया बनाए, एक ही फोटोग्राफ के रख के 6 मिर्ची के बने, 7वां हल्दी का, 8वां धनिया का, तो 8 सिलेंडर में उनका 5 रुपया, 8 रुपये, 10 रुपया, तो ऐसे अलग अलग हो गया। अब ये जो पाउच की साइज़ होती है, पाउच की साइज़ जैसे ये 5 रुपये की इधर 170x115 है और 10 रुपये की 180x120 है, अब सबकी साइज़ भी अलग अलग होती है, कोई 120-200 लेता है, कोई 200-200 लेता है 10 रुपये में भी, तो सबकी अलग अलग साइज होती है। तो आपको हमें खुले दिल से पहले ये बताना पड़ेगा कि हमारा ये बजट है,
नॉर्मली 1.5 लाख का बजट आ गया, लेकिन आप बताएंगे कि मेरा इतना बजट है, आप प्रोडक्ट बोलेंगे बजट है, खुले दिल से ऐसा सोचिए कि आप भगवान को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जो भी पूरा आपका प्रॉब्लम है वो खुले दिल से बोल देते हैं। तो खुले दिल से हमें बताइए कि मेरा 1 लाख का बजट है, 2 लाख का है, 5 लाख है, अरे 5,000 रुपया भी है, 500 रुपया भी है तो क्या प्रॉब्लम है, बोल सकते हैं। बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम ना बोलेंगे क्या करेंगे, मेन बात ये होती है। और अगर आप बोलेंगे नहीं तो क्या होगा, आप कोई लड़की से प्यार करते हैं तो क्या पूरी ज़िंदगी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, अरे बोलना पड़ेगा, जाके बोलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल मारेगी, अब हम चप्पल तो मारेंगे नहीं क्योंकि फ़ोन पे है, तो हम आपको बताएंगे कि सर हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसके वेज क्या है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। वैसे पूरा हमसे बनेगा उतना प्रयत्न खुले दिल से समझाएंगे। अब कई लोग रात को कॉल करते हैं, रात को रात उनको कैलकुलेशन चाहिए, अभी के अभी दे दीजिए, अप्रोक्सीमेट बोलिए, अरे मान लीजिए, अरे जान लीजिए, अरे मान लीजिए जान लीजिए में नहीं होता है सर, धंधा होता है, एक पूजा है, एक पैशन है। अगर धंधे को दिल से खुले दिल से खुले मन से नहीं करेंगे तो धंधा धंधा नहीं बनता है, बिजनेस कोई भी चलता नहीं है, चलाना पड़ता है, चलाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमारा पैशन चाहिए, वो अंदर होता है, अंदर से निकलता है। तो दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे ये कस्टमर का हमने काम किया, पूरा एक एक चीज़ आप हमें कॉल कीजिए, तब पूरा आपका रियल बजट क्या है, आपके जो है वो बता दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उससे आपका सॉल्यूशन ही मिलता है। और परफेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो हम आपसे परफेक्ट बात करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन भी 100% परफेक्ट आएगा। थैंक